आज के इस वीडियो में हम CS206 डेटा कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के यूनिट 4 डेटा लिंक लेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा लिंक लेयर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डेटा लिंक लेयर OSI रेफरेंस मॉडल की लेयर नंबर 2 है। इस लेयर पर होप टू होप डेटा डिलीवरी होती है। होप टू होप का मतलब है नोड टू नोड। जैसे मेरा कोई एक नेटवर्क है इस तरीके का, और इस नेटवर्क में अगर इस तरीके से आपकी नोड्स हैं, तो डेटा लिंक लेयर का जो काम है वो काम होता है इस एक नोड से इस अगली नोड तक डेटा भेजने का, फिर इस एक नोड से इस एक नोड तक डेटा भेजने का। यानी किसी भी एक लिंक के अक्रॉस जो दो नोड हैं, इनके बीच में डेटा भेजने का काम होता है डेटा लिंक लेयर का। इसलिए इसे कहते हैं होप टू होप या नोड टू नोड। इस नोड से इस नोड, यानी किसी भी एक लिंक के अक्रॉस अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो वो काम होगा डेटा लिंक लेयर का। फिर है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब हो गया कि DLL डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, एक लिंक के अक्रॉस डेटा ट्रांसफर के लिए। तो इस लिंक के अक्रॉस ये जो दो नोड हैं, इन दो नोड के बीच में डेटा जो है वो किस स्पीड से भेजा जाएगा, इसको कंट्रोल करने का जो काम होता है उसे कहते हैं फ्लो कंट्रोल। फ्लो यानी बहना, एक तरीके से हम देखें फ्लो का मतलब होता है बहना, यानी डेटा किस रेट से बहे ताकि ना तो इधर ड्रॉप हो ना इधर ड्रॉप हो। डेटा जिस स्पीड से सेंड हो रहा है उसी स्पीड से इधर रिसीव भी हो जाए, इस तरीके की जो कंट्रोल होता है उसे कहते हैं फ्लो कंट्रोल। एरर कंट्रोल, अगर कोई डेटा यहाँ इस सेंडर ने मान लीजिए इसको भेजा और बीच में कोई एरर हो गई उस डेटा में, कोई बिट जो है वो एरर हो गई, तो उस डेटा को दोबारा से भेजना, पहले तो ये पता करना कि वो एरर हो गई और फिर उस एरर की वजह से जो डेटा खराब हुआ है उस डेटा को दोबारा रिपीट करके भेजना, ये काम होता है एरर कंट्रोल। तो डेटा लिंक लेयर एरर कंट्रोल भी करता है। फिर है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग का मतलब है कि नेटवर्क लेयर जो इसके ऊपर लेयर नंबर 3 है वो नेटवर्क लेयर होती है अगर हम सेंडर साइड की बात करें, और 2 नंबर है डेटा लिंक लेयर। तो नेटवर्क लेयर से डेटा किसको मिला, डेटा लिंक लेयर को। अब डेटा लिंक लेयर को जो पैकेट मिला है, पहले हमने देखा था कि नेटवर्क लेयर जो है उस पे जो डेटा होता है उसे क्या कहते हैं, पैकेट। जो पैकेट डेटा लिंक लेयर को मिला है नेटवर्क लेयर से, अब उस पैकेट को फ्रेमिंग करते हैं, यानी डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम में बनाया जाता है। उस पैकेट के आगे हेडर जोड़ा जाता है और उस पैकेट के पीछे ट्रेलर जोड़ा जाता है। अब ये क्या बन गई, एक फ्रेम बन गई। इस फ्रेम को फिर आगे फिजिकल लेयर पे भेजा जाएगा। मैक एड्रेसिंग। मैक एड्रेसिंग मतलब फिजिकल एड्रेसिंग, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसिंग, ठीक है। तो हर एक जो NIC होती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हर NIC का एक मैक एड्रेस होता है जिसे फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, ठीक है। तो वो मैक एड्रेस इस फ्रेम के अंदर लगाने का काम कौन करेगा, डेटा लिंक लेयर। इसमें सेंडर मैक एड्रेस भी होता है और रिसीवर मैक एड्रेस भी होता है। तो डेटा लिंक लेयर जो है वो डेटा ट्रांसफर जो करती है वो किस आधार पे करती है, कौन से एड्रेस के आधार पे करती है, मैक एड्रेस के आधार पे। इसके 2 सब लेयर होती हैं, एक होता है मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर और दूसरी है लॉजिक लिंक कंट्रोल लेयर LLC। जो मैक होती है, जो LLC होती है वो बेसिकली नेटवर्क लेयर और मैक के, इसको अगर हम देखें तो वो ऐसा होता है, ये आपकी नेटवर्क लेयर, फिर आती है LLC, फिर आती है मैक और फिर आती है फिजिकल लेयर। तो मैक जो है वो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों तरीके का होता है। देखिए फिजिकल लेयर पूरी फिजिकल होती है, फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, और मैक लेयर जो है वो आधी फिजिकल और आधी लॉजिकल, यानी सॉफ्टवेयर पार्ट। तो हार्डवेयर पार्ट तो मैक में कौन सा हो गया, NIC,
और उस एनआईसी में जो सॉफ्टवेयर पार्ट है वो किस में आ जाएगा, एलएलसी में, और उसके ऊपर जितनी भी लेयर हैं वो क्या हैं, आपकी लॉजिकल लेयर हैं, ठीक है। तो अब कई बार सवाल भी पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी लेयर है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में वर्क करती है, तो वो कौन सी है, डेटा लिंक लेयर। फिर इसका काम एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेज भी है, क्योंकि ये डेटा को फाइनली किस पे भेजती है, फिजिकल लेयर पे। तो उस डेटा, देखिए जब तक डेटा लॉजिकल लेयर पे है, लॉजिकल सेक्शन पे है, तब तक वो जीरो और वन की फॉर्म में रहेगा। अब उसे फिजिकल लिंक पे भेजना है, यानी वायर पे मान लीजिए हमें भेजना है, तो जीरो और वन को किस में बदलना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो ये जो जीरो वन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रोसीजर है, उसे हम कहते हैं एनकोड करना। तो यहां डेटा को एनकोड भी कौन करेगा, डेटा लिंक लेयर, और रिसीवर साइड में उसको डिकोड करेगा। अगर हम डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स की बात करें तो ईथरनेट हो गया, पॉइंट टू पॉइंट ट्रिपल पी प्रोटोकॉल हो गया, एसडीएलसी हो गया, सीएसएमए हो गया, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, तो ये इसके प्रोटोकॉल्स हैं। फ्रेमिंग की हमने बात करी थी, तो ये डेटा, इसके आगे हेडर लगता है और इसके पीछे ट्रेलर लगता है, तो ये बन गया मेरा एक फ्रेम, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आपका किसका, डेटा लिंक लेयर का। अब इसमें अगर हम आगे बढ़े तो यहां हम देखेंगे फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं कि फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल क्या होते हैं। फ्लो कंट्रोल की अगर बात करें तो फ्लो कंट्रोल का मतलब है फ्लो को कंट्रोल करना, जिस स्पीड से डेटा सेंड हो रहा है उस स्पीड को कंट्रोल करना, ठीक है। और वो कंट्रोल किस आधार पे हो रहा है, उसके पैरामीटर क्या है, उसके पैरामीटर है रिसीवर। अगर ये सेंडर है और ये रिसीवर है, अब रिसीवर की रिसीव करने की क्षमता धीरे है या ज्यादा है, ज्यादा होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर रिसीवर की रिसीव करने की क्षमता कम है या धीमी है और सेंडर की सेंड करने की क्षमता ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, सेंडर बहुत तेज स्पीड से डेटा भेज रहा है लेकिन रिसीवर उस स्पीड से प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो कुछ डेटा जो है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उस लॉस को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर फ्लो कंट्रोल की मैकेनिज्म लाई जाती है, ठीक है। तो अगर सेंडर और रिसीवर, इनकी स्पीड अलग अलग होती है, तो इनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है फ्लो कंट्रोल। क्यों, ताकि कोई भी डेटा लॉस ना हो, ठीक है। और ये काम करने के लिए बेसिकली दो तरीके हैं, एक होता है फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल, एक है रेट बेस्ड फ्लो कंट्रोल। फीडबैक बेस्ड जो होता है फ्लो कंट्रोल, उसमें एक्नॉलेजमेंट्स का उपयोग लिया जाता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कि जो भी डेटा सेंडर ने भेजा है उस डेटा के लिए एक्नॉलेजमेंट आएगी। जैसे एक्नॉलेजमेंट मतलब एक तरीके से ये बताना कि हाँ मेरे को वो डेटा मिला है या नहीं मिला है, कंफर्म करना एक तरीके से, ठीक है। तो सेंडर ने कोई डेटा भेजा, उस डेटा के लिए रिसीवर उसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और फिर दोबारा से डेटा भेजेगा दूसरा, फिर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। इस तरीके से ये एक्नॉलेजमेंट बेस्ड आपका फ्लो कंट्रोल होता है। तो डेटा लिंक लेयर जो है, डेटा लिंक लेयर पे दो तरीके होते हैं फ्लो फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल के, एक होता है स्टॉप एंड वेट, एक होता है स्लाइडिंग विंडो। स्टॉप एंड वेट का मतलब है एक बार में एक पैकेट भेजेगा, एक पैकेट एक बार में भेजेगा, और अगला पैकेट तभी भेजेगा जब उसके लिए पुराने वाले की एक्नॉलेजमेंट आ जाए। यानी कि स्टॉप एंड वेट, भेजो रुक जाओ इंतजार करो, किसका, एक्नॉलेजमेंट का। जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तब तक आप अगला पैकेट नहीं भेजेंगे। तो ये तो हो गया स्टॉप एंड वेट। स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है कि एक से ज्यादा पैकेट हम भेज सकते हैं, मोर देन वन पैकेट कैन बी सेंट, और फिर उनकी एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए चार पैकेट हमने एक साथ भेज दिए,
अब जब तक इन चार की एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती हम अगला पैकेट नहीं भेजेंगे। इन चार में से मान लीजिए शुरुआत के दो की एक्नॉलेजमेंट आ गई तो हम दो नए पैकेट भेज देंगे। तो ये इस तरीके से स्लाइडिंग विंडो काम करती है। तो यहां पर भी हमने मतलब रिसीवर ये बताता है सेंडर को कि उसको डेटा कितना भेजना है और कब भेजना है, ठीक है ना। स्टॉप एंड वेट में भी जब तक रिसीवर जो है वो एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा पुराने वाले की, तब तक अगला पैकेट नहीं भेजा जा सकता। इस तरीके से क्या हो रहा है, फ्लो पे कंट्रोल हो रहा है, यानी सेंडर किस स्पीड से डेटा भेजे ये कौन कंट्रोल कर रहा है, रिसीवर, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं फ्लो कंट्रोल। रेट बेस्ड में क्या होता है कि इसमें इनबिल्ड रेट रेस्ट्रिक्शन होता है, यानी आपके रिसीवर एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता है उसमें ऑलरेडी इनबिल्ड ही आपका रेट डिसाइड होती है, प्री डिफाइंड होती है। ये तकनीक जो है वो आपकी नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम में ली जाती है। डेटा लिंक लेयर पे आपके एक्नॉलेजमेंट बेस्ड फ्लो कंट्रोल तकनीक यूज में ली जाती है, ठीक है। फिर हम थोड़ी बात कर लेते हैं एरर कंट्रोल की। एरर का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने कोई डेटा भेजा, मान लीजिए 010 रिसीवर ये भेजा है, अगर रिसीवर को ये का ये डेटा मिल जाए तो कोई भी एरर नहीं है। अगर इसके अलावा कोई भी डेटा अगर रिसीवर को मिल रहा है तो इसका मतलब हुआ कि आपका मैसेज जो है वो एरर में है, उस मैसेज में एरर आ चुकी है। मान लीजिए 010 के बजाय उसको मिल गया 110, यानी पहली बिट जो है वो क्या हो गई, 0 से 1 हो गई, अब ये एरर आ गई, ठीक है। तो एरर कंट्रोल का भी दो मतलब है, पहले एरर का पता चल पाना, डिटेक्ट, और फिर उसको करेक्ट कर पाना, यानी उस एरर को दूर करना, ठीक है। तो कंट्रोल की जब बात आती है तो उसमें दो चीजें आती हैं, डिटेक्शन और करेक्शन। तो भेजे गए पैकेट या फ्रेम में यदि कोई एरर पाई जाती है तो उस एरर का पता करना एवं उसे ठीक करना क्या कहलाता है, एरर कंट्रोल। डीएलएल मुख्यतः सीआरसी तकनीक का प्रयोग करता है, किसके लिए, एरर कंट्रोल के लिए। और लॉस्ट फ्रेम्स यानी कुछ फ्रेम, देखिए दो तरीके की हो सकती हैं, मैंने पैकेट 1 भेजा, पैकेट 2 भेजा, पैकेट 3 भेजा। पैकेट 1 में मैंने भेजा 010, इसमें भेजा 110, इसमें भेजा 111। जो रिसीवर को मिला है वो क्या क्या मिला, जो पैकेट 1 है वो मिल गया मेरे को 010, पैकेट 2 जो है वो मिला ही नहीं, पैकेट 3 जो है वो मेरे को मिला 110। तो देखिए पैकेट 1 जो है वो सही मिला, पैकेट 2 मिला ही नहीं, और पैकेट 3 में एक बिट की एरर आ गई, ठीक है। तो ये जो पैकेट 2 है ये क्या हो गया, पैकेट पूरा का पूरा ही पैकेट लॉस हो गया। अब पैकेट 3 के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो रिसीवर के पास इतनी क्षमता हो, इतना कोई एल्गोरिथम हो जिससे कि वो इस एरर को अपने आप ही ठीक कर ले, और यदि ये ठीक नहीं होती है तो वो सेंडर को क्या कहेगा, रीसेंड करने के लिए कहेगा कि भाई इसको दोबारा से भेजो, और ये जो पैकेट 2 लॉस हुआ है उसको तो दोबारा से भेजना ही पड़ेगा। तो ये बात कौन बताएगा, ये रिसीवर बताएगा। रिसीवर पहले डिटेक्ट करेगा कि भाई ये पैकेट मेरे को नहीं मिला और यहां पर ये जो पैकेट मिला है उसमें एरर है, तो ये दोनों बातें पहले पता करेगा रिसीवर और फिर सेंडर को दोबारा से इनको भेजने के लिए कहेगा, ठीक है। तो ये जो लॉस्ट फ्रेम्स को दोबारा से भेजने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ARQ। और एरर कंट्रोल की डीएलएल पे, डेटा लिंक लेयर पे जो तकनीक इस्तेमाल होती हैं वो मुख्यतः ये तीन हैं। पहली स्टॉप एंड वेट, गो बैक एन जिसे GBN भी कहते हैं, और तीसरी है सेलेक्टिव रिपीट, ठीक है। तो ये तीन मुख्य तकनीक आपकी यूज में ली जाती हैं, किस पे, डेटा लिंक लेयर पे। स्टॉप एंड वेट की बात करें तो स्टॉप एंड वेट में तो क्या था, अभी हमने देखा कि एक पैकेट भेजा और फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी,
अगर मान लीजिए ये पैकेट एरर है, इस पैकेट में अगर इस पैकेट में कोई एरर है तो रिसीवर क्या कहेगा, मेरे को ये वाला जो अभी आपने पैकेट भेजा वही दोबारा से ट्रांसमिट करो, ठीक है। अगर वो ठीक पैकेट मिला है तो रिसीवर कहेगा कि अगला पैकेट भेजो, फिर अगला पैकेट भेज दिया। अगर ये पैकेट मान लो नहीं पहुंचा, अगर ये पैकेट नहीं पहुंचा तो रिसीवर क्या कहेगा, कुछ देर बाद में, पहले तो इंतजार करेगा रिसीवर की पैकेट आएगा आएगा आएगा। अगर मान लीजिए हमने कहा कि आपके पास 5 मिनट में पैकेट नहीं मिलता है तो आप पुनः दोबारा से रिक्वेस्ट भेजोगे सेंडर को, तो 5 मिनट खत्म हो गई, 5 मिनट खत्म, 5 मिनट में भी अगर पैकेट नहीं आया तो वो दोबारा से सेंडर को कहेगा क्या कि मेरे को जो ये पैकेट जो मेरे को मिलना था वो मिला नहीं है, आप मुझे दोबारा भेजो, ठीक है। तो ये इस तरीके से कार्य करता है स्टॉप एंड वेट। अगर गो बैक एन की बात करें तो स्टॉप एंड वेट में एक बार में केवल एक पैकेट भेज रहे थे, गो बैक एन में एक से ज्यादा पैकेट भेजते हैं, मल्टीपल पैकेट्स हम एक बार में भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिसीवर के पास एक बार में एक ही पैकेट रिसीव कर सकता है। मान लीजिए मैंने 1 2 3 ये पैकेट भेजे, 1 2 3 तीन पैकेट भेजे, तो इधर रिसीवर जो है वो एक बार में 1 2 3 इनमें से एक एक करके पैकेट रिसीव करेगा। सबसे पहले उसे क्या रिसीव होना चाहिए, 1, फिर 2, फिर 3। अगर मान लीजिए पैकेट नंबर 1 जो है वो नहीं प्राप्त होता लेकिन पैकेट 2 और 3 प्राप्त हो गया, यानी कि पैकेट नंबर 1 जो है वो कहीं बीच में लॉस हो गया और पैकेट नंबर 2 3 मिल गए सही से, तो इधर रिसीवर क्या कहेगा, सबसे पहले उसको क्या मिलना चाहिए, पैकेट नंबर 1, लेकिन वो तो बीच में लॉस हो गया। इस स्थिति में रिसीवर कहेगा कि मैं आगे वाले भी तब तक नहीं एक्सेप्ट करूंगा जब तक मेरे पास 1 नहीं आएगा, तो रिसीवर कहेगा कि मेरे को 1 से आगे के सारे पैकेट दोबारा से भेजो, यानी गो बैक एन, एन पीछे जाओ, यहां एन मतलब 3 पीछे जाओ, 1 2 3, तो इसलिए इसका नाम है गो बैक एन। और फिर तीसरा है, अब भाई मेरे पास 2 और 3 तो सही से मिल गए थे ना, फिर भी ये मेरे को दोबारा से रीसेंड करने पड़ रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फिर हमने सेलेक्टिव रिपीट लेके आए। सेलेक्टिव रिपीट में क्या होगा, सेलेक्टिवली केवल वही पैकेट दोबारा से मंगवाया जाएगा जो कि लॉस हुआ है या बीच में कहीं खो गया है या जिसमें एरर है, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं आपके एरर कंट्रोल के। तो डेटा लिंक लेयर पे एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल के बारे में आज इतना ही इस वीडियो में।